नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करते हैं जो टायर 3 का पेपर होता है उसके बारे में। पिनेकल की तरफ से क्या प्लानिंग होगी, हम क्या को नया प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। जॉब अश्योर एसएससी सीजीएल पार्ट 3 प्रेजेंटेशन नाम से। जैसा कि आप जानते हैं और अभी आपने एग्ज़ाम दिया है टायर 2 का, उम्मीद करता हूं कि आपका ये एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ होगा। और अभी टायर 3, क्योंकि एसएससी सीजीएल में 3 स्टेप्स होते हैं, टायर 4 भी होगा, इनफैक्ट 4 स्टेप होंगे। पहला स्टेप में टायर 1 जिसमें 200 मार्क्स मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके, टायर 2 में 400 मार्क्स मैथ और इंग्लिश, 200 मार्क्स मैथ, 200 मार्क्स इंग्लिश, 600। और उसके बाद एसएससी ने एक नए पैटर्न में इंटरव्यू को हटाकर टायर 3 इंट्रोड्यूस किया है जो कि रिटन होगा एग्जाम। ये रिटन क्यों हो रहा है, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है और उसमें क्या एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टेस्ट करना चाहता है, उसके बारे में हम अच्छी तरह से एक बार डिस्कस करना चाहते हैं जिससे कि एक क्लैरिटी हो। तो जो टायर 3 होगा वो 100 मार्क्स का होगा और ये 15 जनवरी को ये शेड्यूल है एग्ज़ाम। लगभग आप बोल सकते हैं 40 डेज के आसपास आपके पास समय होगा, 40 to 45 डेज, जिसमें कि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। और इस 100 मार्क्स में से जो स्टूडेंट इसमें अच्छा स्कोर करेगा वो एक काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि टायर 1 था वो हाई स्कोरिंग एग्ज़ाम था और हम देखते हैं कि टायर 1 और टायर 2 कंपटीशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है और उसमें एक एक नंबर की वजह से मेरिट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। जब एक नंबर 0.5 के नंबर से हज़ारों स्टूडेंट आगे पीछे हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली अगर 100 में से एक स्टूडेंट 80 स्कोर करता है, दूसरा स्टूडेंट 50 स्कोर करता है, डिफरेंस है वो 30 मार्क्स का, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। इसलिए इस 100 मार्क्स को आसानी से नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इसके ऊपर अगले 40-45 दिन काफ़ी ज़्यादा फोकस करना होगा। और यही हमारा पिनेकल की तरफ से भी ऑब्जेक्टिव होगा कि वो अभी आपके जो फाइनल स्टेज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 4 स्टेज है, वो टाइपिंग है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा ये सजेशन है कि जैसे ही आपका टायर 2 एग्जाम खत्म हुआ, उसके तुरंत बाद टायर 3 और टायर 4 दोनों साथ साथ प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टायर 4 भी टायर 3 के साथ ही होना है, उसमें टाइपिंग होगी। और जब टाइपिंग होगी, कई पोस्ट के लिए टाइपिंग होती है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट स्पीड की वजह से रह सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट चीज़ कि उसमें वो अच्छी तरह से तैयारी भी करें। अब हम देखते हैं कि टायर 1 है, व्हाट इज़ टायर 3 एंड ये एग्ज़ाम रखा क्यों गया है, टायर 3 इंटरव्यू स्थान पे क्यों हुआ। इन प्लेस ऑफ इंटरव्यू टू प्लग लूपहोल्स एंड टू इंश्योर बेटर स्किल्ड स्टाफ। अगर हम पिछले 5-6 साल की एसएससी की हिस्ट्री उठाएं तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते थे जो बैकडोर एंट्री से जिनका सिलेक्शन हो जाता था, मतलब कि जिसको एक लेमैन की भाषा में सेटिंग बोलते हैं, वो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट होते थे जिसमें एसएससी खुद इन्वॉल्व, एसएससी का स्टाफ इन्वॉल्व और कुछ एक कोचिंग सेंटर्स की भूमिका जिसमें कि बहुत होती थी और उसकी वजह से मेरिट भी काफ़ी ज़्यादा चली जाती थी। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरिट अब नहीं जाएगी ज़्यादा, लेकिन अब कॉम्पिटिशन फेयर ज़रूर होगा और फेयर होता है कॉम्पिटिशन, मेरिट ज़्यादा भी चली जाती है, स्टूडेंट्स को सेटिस्फेक्शन होता है कैंडिडेट को। तो एक तो ये इंटरव्यू की जगह पे, ये भी इंटरव्यू में भी कुछ गड़बड़ी हो सकती थी, तो इस इंटरव्यू को भी ये रोकेगा और इससे एसएससी को बेटर स्टाफ मिलेंगे संभावना होगी। टायर 1 टायर 2 की बात करें, टेस्ट एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ये टेस्ट करते हैं। टायर 1 क्या करता है टेस्ट, एक एप्टीट्यूड जैसे रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, कि आपके बुद्धि कितनी है, दिमाग कितना है, नॉलेज कितना है, जीके से रिलेटेड नॉलेज कितना है, या लैंग्वेज से रिलेटेड नॉलेज कितना, ग्रामर से रिलेटेड नॉलेज कितना है, आप क्या 2 घंटे में प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, 75 मिनट में कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हैं और एक अंडर प्रेशर कितनी परफॉर्म करते हैं।
क्या टाइम विद इन टाइम कोई प्रोजेक्ट पूरा करने की एबिलिटी रखते हैं नहीं रखते हैं, इस तरह की टेस्टिंग है वो टायर वन और टायर टू में कि एक स्टाफ में जो होनी बहुत जरूरी है। बट अबाउट टू टायर टेस्ट कैन नॉट टेस्ट राइटिंग स्किल्स। अब अगर मान लो मैथ्स में कोई बहुत अच्छा है, इंग्लिश में भी बहुत अच्छा है, उसको ग्रामर आती है, क्या उसको ये टॉपिक दिया जाता है कि SSC के ऊपर आप 3000 में वर्ड्स लिखिए या राइटिंग स्किल्स में 3000 में वर्ड लिखिए, 3000 वर्ड में एक ऐसे लिखिए, तो हो सकता है वो ना लिख पाए। कई बार रिपोर्ट लिखनी होती है, ब्रीफिंग लिखनी होती है, ईमेल लिखनी होती है, लेटर ड्राफ्ट करने होते हैं, तो कई जगह पे उस पर्टिकुलर स्किल्स का रिक्वायरमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाउ वेल ए पर्सन कैन राइट ईमेल्स, कैन ड्राफ्ट नोट्स, ब्रीफिंग, लेटर, सर्कुलर, इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ये एक इस टेस्ट के इसमें SSC टेस्ट नहीं कर पा रही थी कोई, और बहुत सारी दिक्कत आती थी जब गवर्नमेंट को अपने स्टाफ को बाद में ट्रेन करना होता था, या उसको जब ऑन द जॉब काफ़ी मिस्टेक होती थी, सरकार को काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट होना पड़ता था। राइटिंग स्किल्स के लिए एक अलग से टेस्ट रखने का ये रीज़न था। तो दो रीजन आप बोल सकते हैं कि लूप होल को प्लग करना, जिसमें कि अब कोई भी गवर्नमेंट जॉब में, जिसमें कि एक सेकंड क्लास थर्ड क्लास है, अगर हम उसकी बात करें तो इंटरव्यू नहीं होगा, और सिमिलरली इस लूप होल के साथ में राइटिंग स्किल्स के बेटर कैंडिडेट मिले, ये भी एक ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। अब इसके लिए कि राइटिंग स्किल्स टेस्ट हो, बेटर स्टाफ मिले गवर्नमेंट को, उसके लिए क्या क्या किया गया, तो एक टेस्ट रखा गया जिसमें टायर थ्री होगा, उसका सिलेबस क्या। इन एडिशन टू द अबो कमीशन हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस ए डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश हिंदी एज टायर थ्री। तो एक तो क्या है कि जब हम लिखने की बात करते हैं तो कई बार दिमाग में ये चला जाता है कि ये इंग्लिश की बात हो रही होगी, ऐसा नहीं है। चाहे वो राइटिंग हिंदी में हो या राइटिंग इंग्लिश में हो, ये टेस्ट राइटिंग का टेस्ट है, कोई इंग्लिश का टेस्ट नहीं है, किसी लैंग्वेज का टेस्ट नहीं है, ये हिंदी का टेस्ट नहीं है, ये कि उस बंदे को राइटिंग की कैसी आ रही है, ये उससे रिलेटेड टेस्ट होगा। तो एक तो ये कि बाइलिंगुअल पेपर आएगा, जिस भाषा में आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल समझते हैं अपने आप को। पेन और पेपर मोड में होगा, कोई कंप्यूटर का इसमें इस्तेमाल नहीं होगा, जैसे हम लोग 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में लिखते थे, एसे राइटिंग लिखते थे, लेटर राइटिंग लिखते थे, हम उसी दौर में हम वापस जा रहे हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें अब राइटिंग में क्या हो सकता है, ऐसे राइटिंग भी हो सकती है, प्रेसी राइटिंग भी हो सकती है, लेटर राइटिंग भी हो सकती है, अप्लीकेशन राइटिंग भी हो सकती है। तो मोटे तौर पे अगर मैं इसको बोलूँ कि दो भागों में अगर बांटना हो, तो एक है आपको ऐसे राइटिंग, जिसमें पैराग्राफ राइटिंग भी आप बोल सकते हैं, प्रेस राइटिंग बोल सकते हैं, और दूसरा है लेटर राइटिंग, जिसमें लेटर भी हो सकता है, अप्लीकेशन भी हो सकती है। दो इंपॉर्टेंट अब इसके भाग हो गए, एक दो पार्ट कौन से हुए, एक एसे राइटिंग, दूसरा क्या है जिसमें फॉर्मेट पे ज्यादा रोल होता है, जिसका लेटर राइटिंग से रिलेटेड। और ये दोनों गवर्नमेंट को ये सुनिश्चित करने में, क्या इसको बेटर ईमेल आती है, क्या वो रिपोर्ट बना सकता है, क्या वो ब्रीफिंग कर सकता है, क्या वो नोट्स बना सकता है, वो सारी जरूरत इसमें पूरा करने की कोशिश होगी। फिर है इसका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और 60 मिनट इसमें टाइम होगा, तो 1 घंटे में आपको ये लिखना होगा। आमतौर पे हम देखेंगे आगे कितने वर्ड्स में लिखना है। और उसके बाद जैसे मैंने बताया टायर फोर में ये डाटा एंट्री टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जैसे कि असिस्टेंट वगैरह होते हैं उसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, जहाँ पे भी अप्लीकेबल होगा, कुछ पोस्ट में होता है, कुछ में नहीं होता। तो लेकिन आप इसकी तैयारी जरूर करें, इमिजिएटली आप तैयारी स्टार्ट कर दें। आमतौर पे इसको इतना लाइटली नहीं ले, जो जो बहुत सारे स्टूडेंट इसको लाइटली ले लेते हैं, ऐसा गलती कभी ना करें। और ये क्वालिफाइंग होगा, इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। तो मार्क्स किसके काउंट होंगे, टायर वन में जितना स्कोर किया आपने, फिर टायर टू में जितना स्कोर किया है, फिर टायर थ्री में जितना स्कोर किया है, इन तीनों में इंडिविजुअल कट ऑफ के साथ में टोटल स्कोर है, उससे मेरिट बनेगी। और ऑब्वियसली जब मेरिट बनेगी तो इसमें टायर थ्री का ये रोल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आता है कि इसमें अंदर इसकी क्या, जो SSC ने बताया है, इस नोटिफिकेशन आया था 20th
जुलाई 2016 में, जिसमें कि एक्सप्लेन किया गया, ये एसएससी की से ही जो नोटिफिकेशन उसका पार्ट लिया है मैंने। एडिशनल स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन टायर थ्री हैज बीन इंट्रोड्यूस विद इफेक्ट फ्रॉम सीजीएलई 2016, मतलब ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। विच वुड बी डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर ऑफ 100 मार्क्स इन पेन एंड पेपर मोड, द ड्यूरेशन ऑफ द पेपर वुड बी 1 आवर। द पेपर हैज बीन इंट्रोड्यूस टू एसेस द राइटिंग स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट विच इज नेसेसरी इन गवर्नमेंट जॉब। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ कि कोई जरूरी है जिसका नॉलेज अच्छा उसकी राइटिंग भी अच्छी होगी, या जिसकी राइटिंग अच्छी है उसको नॉलेज उसका खराब हो सकता है, दो ये अलग अलग स्किल्स है। तो एसएससी को ये भी चाहिए स्किल्स, इसलिए उन कैंडिडेट में जो ये स्किल्स होगी वो आगे ज्यादा बढ़ जाएंगे। पेपर वुड कंप्राइज राइटिंग ऑफ एन एसे और पैसेज ऑफ 250 मार्क्स एंड लेटर एप्लीकेशन। जैसे कि इसमें दो भागों में बांट दिया गया है, इसमें एसएससी ने क्लियर बताया है कि टू पार्ट्स होंगे, एक पार्ट में एसे होगा और दूसरे पार्ट में लेटर होगा। एसे लगभग 250 और अप्रोक्सीमेटली 150 यह लेटर राइटिंग से रिलेटेड होगा। तो 400 के आसपास आपको वर्ड्स जब लिख रहे हैं उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, एक घंटे के अंदर यह होना चाहिए। हालांकि एक घंटे में लिखना कोई मुश्किल काम इतना नहीं है, और आप इस एग्जाम को इतना मुश्किल भी मत मानिए, आसान है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये होगी, क्योंकि मेरिट में एक एक दो दो नंबर की वजह से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, इस वजह से आपका हाई स्कोर करना इस एग्जाम में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि बाकी टायर वन और टायर टू के एग्जाम में इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अल्टीमेटली डिसाइड है टोटल मेरिट से होना है। क्वालिफाइंग मार्क इन टायर थ्री वुड बी 33%। इसका अभिप्राय ये भी हुआ कि अगर इस पेपर में टायर वन में बहुत अच्छा किया, टायर टू में बहुत अच्छा किया, लेकिन ढंग से तैयारी नहीं की और 33% भी इसमें नहीं आए, तो बोरिया बिस्तर वहीं पैक, मतलब आप कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की संख्या भी 10% के आसपास जरूर होगी इस टोटल में से। जब टायर टू को क्वालिफाई करने वाले टायर थ्री में आएंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे भी होंगे जिनके बहुत सारी बाकी स्किल्स अच्छी है, लेकिन ये स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है कि वो 33% भी ले लें। हालांकि इनकी संख्या कम होगी, लेकिन फिर भी 10% के आसपास ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे। पेपर वुड विल हैव टू बी रिटन आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश। पार्ट पेपर रिटन इन हिंदी और पार्ट इन इंग्लिश विल नॉट बी एवेल्यूएटेड। क्वेश्चन इन दिस पेपर वुड बी ऑफ 10+2 स्टैंडर्ड। तो हिंदी, आप ये सोचिए कि ये एक किस्म से आपको एसे पे लिखना है और एक लेटर पे लिखना है, और वो लिखने का स्टैंडर्ड रीजनेबली आपका प्लस टू या अच्छे लेवल का होना चाहिए। आप इसको बच्चों की तरह ऐसा नहीं लिख सकते, मतलब कि उसके अंदर जो थॉट्स कंटेंट है उसकी क्वालिटी उस रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि एजुकेटेड पर्सन ने अपनी बात लिखी है। और एक चीज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, और वो उन लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि हिंदी मीडियम से स्टूडेंट होंगे। हिंदी मीडियम में का मतलब ये होता है कि आप इसकी प्योर हिंदी लिखिए, और प्योर हिंदी लिखना इतना आसान नहीं होता कभी भी। तो इसलिए या तो आप इंग्लिश को सिलेक्ट कीजिए, या अगर आप हिंदी लिखने का मादा रखते हैं जो कि आसान काम नहीं होगा, तो आप इसको बीच में, जैसे कि कॉमर्स स्टूडेंट आमतौर पर क्या है, या साइंस स्टूडेंट भी हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके लिख देते हैं जो कॉलेज के एग्जाम होते हैं, स्कूल में नहीं कॉलेज एग्जाम में आमतौर पर। अब ये नहीं चलने वाला कॉम्पिटिशन एग्जाम में। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया तो प्योर हिंदी लिखिए, इंग्लिश किया तो प्योर इंग्लिश लिखिए, बीच में कुछ गड़बड़ ऐसी नहीं हो सकती। तो ये पहले ही क्वालिफाई है, वरना आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। और ये एग्जाम होगा कब? ये 100 मार्क्स का एग्जाम ये होगा 15 जैन को। जो एसएससी का कैलेंडर है वहां से ये उठाया गया है, और उसमें अगर हम देखें ये 2016 जो टायर थ्री होगा वो ये होगा 15 को, और जो टायर फोर होगा वो होगा 17 को। 15 से लेकर आप बोल सकते हैं कि 17 से लेकर, क्योंकि ये काफ़ी दिन तक जा सकता है अगले वाला जो टायर थ्री वाला टायर फोर वाला, तो 17 से लेकर 17 फेब तक टायर फोर जाएगा। लेकिन आपको फोकस रखना है टायर थ्री पे, जिसका एग्जाम होना है 15 को। तो 15 डेट है आपके लिए, आप डेडलाइन रखिए। बहुत सारे स्टूडेंट पहले क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं पूछना किया है कि क्या ये डेट एक्सटेंड होगी। आपका फोकस 15 जैन पे होना चाहिए, होगी या नहीं होगी एक्सटेंड, क्यों होगी,
आप अननेसेसरी की बहस में पढ़ना का कोई फायदा नहीं होगा, तो इसलिए बेटर यही है कि आप 15 जैन पे फोकस कीजिए और 40 या 45 दिन जो बचे हुए हैं उसमें आपको 100 में से अबो 80 स्कोर करना आपके लिए ज़रूरी होगा। अगर अबो 80% या 70 से 80 के बीच में, इससे नीचे जब स्कोर आना स्टार्ट हो जाता है तो धीरे धीरे आपके ऊपर खतरा मंडराना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं तो और इस दौरान और भी एग्जाम की बात करूं तो आपके लिए बहुत ही क्लियर मैसेज कि जो एसएससी सीजीएल 2017 का एग्जाम होगा वो 19 जून को, और ये एप्लीकेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी फॉर्म भरना वो होगा 11 मार्च को। उम्मीद करता हूं कि जो नए स्टूडेंट होंगे इस प्रेजेंटेशन को देख रहे होंगे वो लोग इस पे अभी इमिजिएटली स्टार्ट तैयारी कर रही हो कर दी होगी उन्होंने, या इमिजिएटली उनको कर देना चाहिए। और जिनका टायर 2 का अभी एग्जाम हुआ है उनको टायर 3 की तो करनी चाहिए, लेकिन साथ में अगले साल के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि उनके संभावना उनके मार्क्स कम आएंगे इसलिए होना चाहिए, आम तौर पे जो कंपटीशन की तैयारी की जाती है वो ओवरऑल तैयारी की जाती है, और जो 2017 में जो 16 में स्टूडेंट होंगे वो 17 में भी स्पिल ओवर करेंगे, 17 वाले 18 में करेंगे, और जब वास्तव में फाइनल सिलेक्शन होता है तो हम देखते हैं कि या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 1-2 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, या जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन कहीं पे हो चुका होता है वही स्टूडेंट दोबारा होते हैं, और ऐसे स्टूडेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो आप भी उसी ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा और उसमें लगातार तैयारी करनी होगी। अगला पॉइंट है, अब हमें इस एग्जाम को समझना पड़ेगा पहले कि हम एग्जाम की जब तैयारी कर रहे हैं हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए। कई स्टूडेंट के दिमाग में यह गलत फहमी होती है कि मेरे तो टायर 2 में बहुत अच्छे थे, टायर 3 में तो मेरे अच्छे आएंगे ही क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका न तो टायर 1 के साथ रिलेशन है, न टायर 2 के साथ रिलेशन है। अगर आप राइटिंग में अच्छे हैं, आप मुझे बताइए कि इफ एन एम्प्लॉय कैन राइट क्वालिटी ईमेल्स, उसके लिए क्या स्किल्स होने चाहिए, उसके अंदर क्या बहुत गहराई में नॉलेज होना चाहिए, क्या क्या आप ये सोचिए कि उसको साइंस ज़्यादा आनी चाहिए तब वो बेटर राइटिंग ईमेल राइट कर सकता है, या उसका ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन उसको आने चाहिए तो बेटर राइटिंग कर सकता है, ईमेल लिखेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप क्वालिटी ईमेल लिखते हैं, मैं 1-2 सैंपल दिखाऊंगा आगे आपको। हमारे पास स्टूडेंट के बहुत सारे ईमेल आते हैं, लगभग एक हर रोज 1000 से ऊपर हमारे पास ईमेल आती है डिफरेंट डिफरेंट पर्पज से, और उसमें अगर हम देखते हैं 1-2 ईमेल मुझे इतना स्ट्राइक किया, और मैंने 1-2 का कटिंग भी इसमें दिखाऊंगा मैं आपको कि बहुत इंप्रेसिव लगी ईमेल। और कई बार ऐसी ईमेल भी आती है जिसमें दोबारा उसको लिखना पड़ता है कि आप इसको पहले ईमेल ठीक कीजिए, ईमेल ढंग से भेजिए, उसके बाद हम रिप्लाई देंगे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा बोला भी है कि आप कम से कम जब मुझे ईमेल डालो तो आपका ईमेल का स्टैंडर्ड कम से कम इस तरह से होना चाहिए कि आप किसी डायरेक्टर को ईमेल लिख रहे हैं। आप ऐसे ईमेल लिख रहे हैं जैसे कि फेसबुक में नीचे जो टाइप करते हैं, आदत पड़ी हुई है गलत, मैं जो हिंदी इंग्लिश बीच में लिखी हुई है। अगर आपको बेटर रिस्पॉन्स चाहिए तो ऑब्वियसली सामने वाला भी तभी सिंसियर होगा और आपके आपको गंभीरता से लेगा जब आपके मेल की क्वालिटी बेटर हो। इफ ए मेल मेंबर ऑफ द स्टाफ कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली, एसएससी को क्या चाहिए, एसएससी को चाहिए कि उसका जो स्टाफ आए वो इंटरनली कम्युनिकेशन और उसका एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं है, मैथ इंग्लिश बहुत अच्छी थी उसकी, तो एक प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी उस डिपार्टमेंट में। एन एम्प्लॉय कैन मेक इफर्ट्स इफेक्टिव रिपोर्ट्स, जैसे अभी यहां पे एग्जांपल भी लिया हुआ है कि अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में असिस्टेंट को बोलता है, उसे एक रिपोर्ट देने के लिए बोलता है। असिस्टेंट मतलब जो एसएससी वाले जाते हैं असिस्टेंट होते हैं। गो टू साउथ दिल्ली नांगलोई एरिया एंड गिव मी द ग्राउंड रिपोर्ट इन राइटिंग अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन, दिस रिपोर्ट विल बी शेयर्ड एट द सेक्रेटरी लेवल मीटिंग हु विल मेक फाइनल रिपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन द ग्राउंड स्टाफ रिपोर्ट्स। अब सोचिए कि अगर एक राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, आइडियाज को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहा है कोई, और फैक्ट नहीं समझ पा रहा है कि एक रिपोर्ट में क्या लिखना चाहिए, तो यह एक एम्बेरसमेंट का रीजन हो सकता है। तो इसलिए
अगर जो ये काम किसका है, ये काम वो है स्टाफ का। और अगर स्टाफ को वो स्किल्स नहीं है उसके अंदर स्टाफ में, तो प्राइवेट सेक्टर में भी ये बहुत सारी चीजें होती है कि आप रिपोर्ट दीजिए, अपनी रिपोर्ट करो, ईमेल लिखो, एक्सप्लेनेशन दो, ये गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा होता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे फ्लूंट स्टाफ जो इस तरह की रिपोर्ट बनाने में एक्सपर्ट हो। और इस तरह का क्वेश्चन, हालांकि लिखा हुआ है इसमें सिलेबस में ऐसे पैराग्राफ या इस तरह की रिपोर्ट, लेकिन एक वर्ड वहां पे ये भी एटसेट्रा, मतलब कुछ भी आ सकता है जिस पे राइटिंग करनी है। तो 5 या 7% ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं कि आपको ऐसा पैराग्राफ दिया हो और साथ में लिखा हो कि आप रिपोर्ट करो, तो आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिमाग में क्रिएट करते हुए इस पे रिपोर्ट बनानी होगी। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसकी संभावना हो सकता है 2-4% हो, लेकिन एसएससी ने ऐसा करके एटसेट्रा लिखकर सिलेबस को लंबा चौड़ा कर दिया है। हम देखते हैं कि एक एग्जांपल और दिया है मैंने कि ऐसे स्टाफ क्यों चाहिए, बेटर स्किल्स वाले। अब ये एक वास्तव में हकीकत की एक ऐसी लेटर लिखा हुआ है, और ये लेटर लिखा है ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री है उसके द्वारा, जब स्मृति जुबिन ईरानी मिनिस्टर थी, और ये लेटर लिखा गया इसके डिपार्टमेंट से, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से, जो टीचर्स जिनको अवार्ड मिलना होता है, अच्छे जिनकी परफॉर्मेंस होती है सारे साल में उनको। जब ये लेटर गया सरकार की तरफ से, टीचर ने मीडिया को सार्वजनिक किया लेटर और अवार्ड लेने से मना कर दिया। ये हकीकत की घटना है, और क्यों आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं इसको, क्यों मना कर दिया, क्योंकि मेरा मिनिस्टर को लेटर नहीं लिखना आ रहा या उसके डिपार्टमेंट को लेटर लिखने आ रहा, और मैं एक टीचर हूं और मेरे सामने इतनी ज्यादा गलतियां, अगर वाला लेटर आ रहा है तो मैं इस लेटर को एक्सेप्ट नहीं कर रही, आप पहले लेटर को ठीक कीजिए। सोचिए कि उस मिनिस्टर के लिए, उन स्टाफ के लिए कितनी एम्बेरसमेंट होगी, और गलतियां देखिए क्या है। आमतौर पर अगर इसके अंदर ये फॉर्मेट था उस लेटर का, ये आप देख सकते हैं इसको, इसके अंदर गलतियां होती शायद वो इतने ज्यादा उसको चुभती नहीं, लेकिन गलतियां यहां पे, मानव संसाधन, ये संसाधन देखिए संसाधन, फिर उसके बाद मिनिस्टर की स्पेलिंग, ये है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो हमारे एसएससी और आईएएस के स्टाफ के राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स। अब यहां पे आईएएस वालों को घसीटना मुश्किल होगा, क्योंकि उम्मीद की उनसे अजूम किया जाता है कि वो बेटर लिखें, लेकिन आमतौर पे पहले जिस ढंग से जो गपलेबाजी करके स्टाफ जाता था ऊपर, और वो इस जरूरी इस तरह के कांड कर रहा होगा। ये सिर्फ एक लेटर है, इस तरह के लेटर आप डे टू डे लाइफ में किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाओगे तो बहुत सारे मिलेंगे। और कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर तो ऐसे होते हैं जो घबराते हैं लिखने से कि मैं इसमें लिखूं क्या, तो ऑब्वियसली अब देखिए इसको भी जब लोगों ने फेसबुक पे, ट्विटर पे ये वायरल हुआ, तो उसको भी जवाब देना पड़ा स्मृति ईरानी को, कि किसी लड़का का नाम था सौरव, सौरव इट इज नॉट सौरव, वुड नॉट मिस स्पेल माई अवन नेम इन हिंदी, हैव आस्क कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन टू गिव एन एक्सप्लेनेशन। तो मंत्री को भी एक्सप्लेनेशन जनता को देनी पड़ रही है, हर स्टाफ को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है कि ऐसा क्यों हुआ। तो आप बोल सकते हैं कि एरर स्पेलिंग जो मिस्टेक है वो पूरी गुडविल किसी गवर्नमेंट की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी बिजनेस पर्पज ऑर्गेनाइजेशन की भी बिगाड़ सकती है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कि इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स, इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स और राइटिंग स्किल्स, से वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या और कोई डिपार्टमेंट हो, उसके लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक रिपोर्ट के अनुसार, एक रिपोर्ट है जो पुअर रिटन कम्युनिकेशन होती है वो लगभग स्टेट गवर्नमेंट को, ये अमेरिका का डाटा है, लगभग लगभग 3 बिलियन एनुअली, 3 बिलियन रुपीज एनुअली है वो पुअर राइटिंग की वजह से सरकार को नुकसान होता है। और स्टेट गवर्नमेंट है वो राइटिंग को सुधार के लिए अमेरिका में $250 मिलियन हर साल खर्च करता है, ताकि उनके जो एम्प्लॉयर बेटर राइटिंग करना स्टार्ट करें, क्योंकि कंफ्यूजिंग ईमेल हो या फ्लॉड रिपोर्ट हो, पुअर
पुअरली रिटन प्रेजेंटेशन हो, ये सारे वेस्टेज ऑफ टाइम और मनी इसके पीछे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ, और एक मैंने ईमेल जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मैं एग्जांपल के रूप में दिखाता हूँ कि ये एक ऐसे स्टूडेंट की जिसने बहुत अच्छी ईमेल लिखी और मेरा दिमाग सीधा वहां पे गया कि इस लड़के ने देखो कितनी अच्छी ईमेल लिखी है। इसका नाम है एविन सक्सेना, हो सकता है ये प्रेजेंटेशन अभी मैं दे रहा हूं आपके सामने तो ये देख रहा हो, और मैं इसको मुबारकबाद देता हूं, इसकी राइटिंग इतनी अच्छी लगी। आज तक जितने भी ईमेल मेरे पास आई इसकी 3-4 ईमेल मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी राइटिंग लिखी। एक ईमेल को मैंने यहां पे नोट लिखा भी है कि नीरू मैम रिसेंटली लॉन्च्ड नरेशन वीडियो सीरीज इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल, आई वेंट थ्रू द नरेशन वीडियो ऑफ 2 hours ड्यूरेशन अर्लिया बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ प्रोजेक्शन एंड ऑडियो इश्यूज, सो एज अ बिग थैंक यू फॉर कमिंग अप विद दिस सीरीज, नरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सो थैंक यू सो मच फॉर द एफर्ट। हो सकता है अभी आप इस ईमेल को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे पाए हो, समझ पाए हो, लेकिन जब आप इस पूरी प्रेजेंटेशन में ये जब हमारी 40 लेक्चर की सीरीज होगी और किन वर्ड्स पे आपको स्ट्रेस करना है किन पे नहीं करना है स्ट्रेस, आपको आलोचना भी करनी, इसमें आलोचना भी की हुई है, क्रिटिसाइज भी किया गया है, लेकिन आपको इस ढंग से क्रिटिसाइज किया गया है जिसमें कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन बड़ी साफ नजर आ रही है और किसी को नहीं तो ये चुभ रहा है और ये सोचने पे मजबूर करता है कि आपने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया और क्या मैं क्या समझता हूँ। उसने पूरी इन 3 या 4 लाइन में बहुत अच्छे ढंग से इसको एक्सप्लेन किया है। अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ो ईमेल को और 30-40 जो हमारे वीडियो होंगे इसके ऊपर पूरा डिटेल में एनालिसिस किया जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि राइटिंग स्किल्स का कितना इंपॉर्टेंस हो सकता है। और यही कारण है कि मुझे ये याद है, वरना मेल तो हजारों आती है लेकिन हजारों में से कुछ एक याद रहती है, नहीं तो मैं इस स्टूडेंट को जानता हूं। लेकिन यह जरूर है कि इसकी वजह से, ईमेल की वजह से मेरे दिमाग में इसके इस स्टूडेंट के प्रति बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट हुआ है और अब मैं इस लिहाज से जानता हूं कि ईमेल बहुत अच्छी लिखता है। एक चीज और दिमाग में चलती है कि दिस एग्जाम टेस्ट राइटिंग स्किल्स दो थॉट्स एबिलिटी टू एसिमुलेट आइडियाज एक्सप्रेसिंग थॉट। एक दिमाग में आएगा कि आप राइटिंग स्किल टेस्ट करता है और इसलिए आपके दिमाग में आइडियाज होने चाहिए, थॉट्स होने चाहिए, और वो कहां से आएंगे, द हिंदू पढ़ो। बहुत सारे आमतौर पर टीचर होंगे जिनको कि कुछ समझ में नहीं आएगा तो बोल देंगे हिंदू पढ़ना स्टार्ट कर दो, या राय देने वाले टीचर नहीं तो राय देने वाले और बोलेंगे फ्रंट लाइन पढ़ना स्टार्ट कर दो, योजना स्टार्ट कर दो, PD स्टार्ट कर दो, इंग्लिश न्यूज चैनल देखो। ये सबसे बड़ा सोर्स होगा मिसगाइड का। आज तक क्या आपने कोई पढ़ाई नहीं की, क्या आपने कोई लिटरेचर नहीं पढ़ा? राइटिंग स्किल्स एक डिफरेंट स्किल्स होती है। यहां पे आपको नॉलेज बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं करना है, आपको स्किल्स इंप्रूवमेंट करना है। मैं यहां पे एक मैसेज दे रहा हूं और मैसेज यह है कि आपको जब ये तैयारी कर रहे होंगे तो गाइड करने वालों की काफी लंबी बड़ी कतार होगी। इनफैक्ट जितने ज्यादा स्टूडेंट तैयारी नहीं कर रहे उससे ज्यादा गाइडेंस देने वाले हैं। अगर 20,000 SSC अगले टायर में पहुंचाता है टायर 3 में या 15,000, उसमें गाइड करने वालों की संख्या उनको वो 50,000 होगी। और अब गाइड करने वाले प्रोफेशनल बहुत कम होते हैं, या वो ये समझते नहीं समझेंगे कि ये IAS का एग्जाम नहीं है जहां पे कि आपको नॉलेज भी चाहिए राइटिंग स्किल्स भी चाहिए। यहां पे आपको प्रेफरेबली राइटिंग स्किल्स चाहिए। इसलिए अब अगले 30 या 35 दिन या 40 दिन ये नहीं है कि अंधाधुंध 7-8 घंटे आपको हिंदू पढ़ना है, प्रिंट लाइन पढ़नी है, आपको लगेगा राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगी। ये सबसे बड़ा इसके दौरान मिसकंसेप्शन या मिस गाइडेंस होने वाली है, इससे आपको बचना होगा कि ये बिल्कुल अलग चीज है और राइटिंग स्किल्स बिल्कुल अलग चीज है। इनका रोल नॉलेज का या करंट का नॉलेज रोल लिमिट में हो सकता है, लेकिन आपको कोई जॉब दिलाने के लिए, अच्छे स्कोर कराने के लिए ये बहुत ज्यादा रोल अदा नहीं करने वाला। मेरा मैसेज ये कि आपको राइटिंग स्किल्स के ऊपर ध्यान देना है। दिस इज नॉट UPSC मेन जनरल स्टडी पेपर, दिस इज SSC CGL टायर 3 एंड राइटिंग स्किल्स टेस्ट एंड फॉर 1 आवर ओनली और 400 to 500 वर्ड्स ओनली।
इसी में आपको फैसला कर देना है, और उसमें लेटर लिखना है। आपको कोई गद्दाफी के ऊपर नहीं लिखना, क्यूबा के ऊपर नहीं लिखना, आपको अमेरिका के ऊपर नहीं लिखना, अमेरिकन इलेक्शन के ऊपर नहीं लिखना है, आपको इंडियन इलेक्शन के ऊपर भी नहीं लिखना है। आपको एक अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज की, और उसमें ज़्यादातर लेटर राइटिंग या सिंपल पैराग्राफ या ऐसे होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस दोनों को डिफरेंस करने में आपको समझ में आया होगा कि हमें SSC सीजिल टायर 3 के पैटर्न का फॉलो करना है, ये IAS का पैटर्न नहीं करना फॉलो, नंबर वन। नंबर टू, आपको ये गुमराह नहीं होना जो कि हिंदू फ्रंटलाइन या दुनिया भर के रेल बन जाए आपकी, और सारा दिन पढ़ते रहो हिंदू पढ़ रहा हूँ, राइटिंग स्किल्स आएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो लिखने से ही आएगी। दूसरा मिसकंसेप्शन या इस पर एक बहस होगी आपके दिमाग में भी, जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम में जो टायर 1 टायर 2 का टेस्ट दे रहे हैं वो इस मुद्दे पे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, या जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में भी टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ मल्टीपल चॉइस है तो इंग्लिश और हिंदी का ज़्यादा ऐसा कुछ मीडियम में फ़र्क होता नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ समझ में ना आए तो हिंदी में देख सकते हैं या फिर इंग्लिश में देख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर जब बात आएगी वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग, और ये बहुत ही आपको लोग सोचना पड़ेगा कि इसके लिए आपकी क्या फोकस स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया उस पर आपको स्टिक रहना है। यू कैन गिव दिस एग्जाम इन हिंदी और इंग्लिश बट नॉट इन इंग्लिश, मतलब कचरा नहीं कर सकते आप जो फेसबुक पे लिखते हैं, या मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल दिया था कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो आधी हिंदी लिखेंगे आधी इंग्लिश लिखेंगे, उम्मीद करेंगे सामने वाला भी रिस्पॉन्स दे उसको, ऐसा कभी नहीं होगा। आप ये इंग्लिश नहीं लिख सकते इसमें, या तो हिंदी सेलेक्ट कीजिए प्योर हिंदी या फिर प्योर इंग्लिश, वर्ड एक दूसरे के एक्सचेंज नहीं हो सकते। स्टूडेंट शुड ऑप्ट फॉर इंग्लिश, ये मेरा सजेशन है, और इस सजेशन के पीछे लॉजिक ये है कि प्योर हिंदी लिखना इतना आसान नहीं होगा। आज के टाइम में IT है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, डिजिटल एजुकेशन है, जब आप फेसबुक या बहुत सारी चीज़ें देखते हैं ज़्यादातर चीज़ें आपको इंग्लिश में मिलेंगी, और अखबार भी अगर है आप हिंदी में पढ़ोगे तो उसमें आपको वो हिंदी नहीं आएगी जिसमें इफेक्टिव वर्ड्स हों, शुद्ध नहीं मिलेगी आपको। शुद्ध हिंदी के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इस ये आसान नहीं होगा क्योंकि दिमाग में हर घंटे हर वक्त आपको इंग्लिश के मीनिंग नजर आएंगे, तो हिंदी बनाना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। अगर आपने पिछले कुछ एक समय से लगातार लिखाई नहीं की है तो हिंदी में, अगर आप इसे 4-5 साल से कोई ज़्यादा चीज़ें लिखने वाला नहीं कर रहे हैं तो ये आपको इंग्लिश मीडियम में सिलेक्ट करना चाहिए, अगर आपका हिंदी मीडियम भी टायर 1 और टायर 2 हुआ हो तब भी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हिंदी का भी टीचर होगा वो एक्सपेक्टेशन लेवल उसका होगा कि वो प्योर हिंदी लिखे, क्योंकि उसको ईगो हर्ट होगी चेक करने वाले की कि ये बंदे ने इंग्लिश क्यों लिख दी बीच में। तो ये भी एक चैलेंज होगा, क्योंकि जब भी रिटन एग्जामिनेशन का एनालिसिस होता है एक हल्का सा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी आएगा और वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और हालांकि इसका IAS वगैरह के साथ ऐसा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम ट्रेंड देख रहे हैं कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट है उनका रिजल्ट 1-2% होता है, ज़्यादातर सक्सेस रेट है वो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट होती है, अगर हम IAS में जहाँ रिटन का रोल ज़्यादा होते हैं। हालांकि SSC में भी ज़्यादा होता है, जब से इंजीनियर आए हैं लगभग 90% है रेशियो चला गया, 92-95% इंग्लिश मीडियम, तो हिंदी मीडियम का वहाँ पे भी रोल थोड़ा कम होगा। लेकिन इसके अलावा मैं बोल रहा हूँ कि इसके सामने और भी चैलेंज होते हैं। हिंदी कैन बी डिफिकल्ट इफ वन डज नॉट हैव द हैबिट ऑफ राइटिंग इन द रिसेंट पास्ट इन प्योर हिंदी, अगर आप पिछले 1-2 साल में लगातार आप नहीं लिख रहे हैं हिंदी में तो ये एक आपके लिए चैलेंज होगा। हालांकि आपको एक बार डिसाइड करना, अगर हम हिंदी में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लेकिन आप सोचिए इस पर, ये कहीं ऐसी गलती ना कर लें कि समझ में नहीं आए कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आपको बार बार चीज़ें आएगी दिमाग में फिर। और इसके लिए आप अपने आप को पहले टेस्ट कीजिए कि मैं हिंदी में कितना कंफर्टेबल लिख कर। इसके लिए आप एक कोई हमारा जो मॉक टेस्ट है वो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। स्कोप टू वर्क अपॉन, एक क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि अगर मैं टायर 3 की तैयारी करूँ तो मुझे कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। मैं ये बोल रहा हूँ ये पढ़ने का टेस्ट ज़्यादा नहीं है, ये करने का है, ये प्रैक्टिकल है, ये राइटिंग स्किल्स का टेस्ट है, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1 घंटे राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं और 1 घंटे उसका एनालिसिस और थोड़ा बहुत जो क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए उसके ऊपर वर्क करते हैं, तो 2 आवर्स मैक्सिमम
मैक्सिमम साइड बोल रहा हूं मैं, ये आपको देना है। मतलब कि अगर 40 दिन बचे हैं और 2 आवर्स के हिसाब से मैक्सिमम 80 आवर्स में आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, 80 आवर्स में 80 अबव प्लस मार्क्स का टारगेट आपको रखना होगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, थॉट्स क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं हिंदी में करूं, इंग्लिश में करूं, या मैं जब भी कोई टॉपिक लिखूं तो मेरा थॉट्स प्रोसेस पे क्लियर होना चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए, बार बार प्रैक्टिस चाहिए। जब भी आप यहां तक कि अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो मैं बता सकता हूं कि एग्जाम में अगर आपको टॉपिक को सिलेक्ट करना हुआ तो आपको बहुत दिक्कत आएगी सिलेक्ट करने में, क्योंकि समझ में नहीं आएगा कि इसमें कितना टाइम लग सकता है मुझे लिखने में, क्या मैं लिख भी पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा। कई बार क्या होता है कि स्टार्ट कर देते हैं, जैसे स्टार्ट हुआ कोई टॉपिक, उसके बाद 5 मिनट के बाद दिमाग में आइडिया आना बंद हो गए और अब मैं आगे क्या लिखूं, ऐसी नौबत आएगी अगर आपकी प्रैक्टिस कम है या क्लैरिटी नहीं है आइडियाज में। आइडिया बिल्डिंग, हम इसके लिए अलग अलग टेक्निक देखेंगे। जब ये पूरा कोर्स चलेगा तो लिखने की क्या टेक्निक हो सकती है, आइडिया बिल्डिंग करने की क्या टेक्निक हो सकती है, क्या आइडिया भी आप ला सकते हैं अलग अलग टेक्निक से, ये भी आपके सामने देखने को मिलेगा कि आप टेक्निक से कैसे आइडिया लाते हैं। प्रॉब्लम डिफाइंड, आपके सामने क्या क्या समस्याएं होगी राइटिंग करने में, या एक पर्टिकुलर टॉपिक सेलेक्ट कर लिया तो उसमें क्या एक चैलेंज हो सकता है, और उस चैलेंज में आपके सामने समाधान के क्या क्या दरवाजे हो सकते हैं, ऑप्शन हो सकते हैं, सॉल्यूशन उसका कैसे निकालेंगे। और एक राइटिंग कर रहे हैं, एक टॉपिक की समरी कैसे लिखेंगे, तो यहां पे हमें अलग अलग चैलेंज मिले कि समरी लिखने की क्या टेक्निक होनी चाहिए, सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिस्कस करना है या प्रॉब्लम ही डिस्कस करनी है, या प्रॉब्लम को मैं डिफाइन किस आइडिया के साथ में करूं। जैसे कि आज के टाइम में डीमोनेटाइजेशन का मुद्दा चल रहा है, अगर आपने दुनिया भर की प्रॉब्लम लिख दी और आपको ऐसे लिखना है लेकिन सॉल्यूशन पर्सपेक्टिव आपका नहीं है, तो दिमाग में एग्जामिनर के सीधा ये मैसेज आएगा कि ये कैंडिडेट है वो प्रॉब्लम क्रिएट करने के बारे में सोचता है, सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचता, इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी 0 है। तो आपकी राइटिंग स्किल अच्छी थी, आपने बहुत अच्छा पेज भरने वाली बात हुई है कि 2 पेज लिख दिया बहुत सुंदर सुंदर, लेकिन उसमें कंटेंट अंदर से सॉल्यूशन अप्रोच वो आपकी नहीं थी। इन दूसरे शब्दों में आपके पास आइडिया का अभाव था लेकिन राइटिंग भी कर दी आपने। तो आप बोल सकते हैं कि राइटिंग स्किल्स का मतलब सिर्फ लिखना नहीं है, राइटिंग स्किल्स का मतलब ओवरऑल एक्सप्रेशन और आपका पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड का कितना रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ये भी आपको उसमें डालना होगा। तो इसका मतलब बहुत बड़ा स्कोप है, तो कि सॉल्यूशन मोड में कैसे जाना है, उसको प्रॉब्लम को आप पॉजिटिव फ्रेम में कैसे लाना, डिस्कस कैसे करना है, ठीक है, आपके फटाफट दिमाग में आइडिया हो कि मैं कौन कौन से आइडिया अपने रखूं, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें देखेंगे तो ये अपने आप में भी एक साइंस मिलेगी पूरी, और स्कोप है इस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करने का, सोचने का, समझने का, ये काफ़ी मिलेगा आपको। लेकिन असली जो रिजल्ट आएगा वो समझना तो है, लेकिन 80% आपका रोल होगा वो प्रैक्टिस का होगा, 80% प्रैक्टिस। इसका मतलब जब इस एग्जाम की तैयारी करें और आप ये समझते हैं कि मैं पढ़ने से हिंदू पढ़ूंगा, कोचिंग लूंगा, आपका सिलेक्शन होगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इसकी भयंकर तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिख लिख कर, इवेल्युएट करके, और हर बार आपको इंप्रूवमेंट की नज़र से देखना होगा, सॉल्यूशन फ्रेम ऑफ माइंड से प्रॉब्लम कैसे डिफाइन करते हैं, आइडिया कैसे लाते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं, को टॉपिक पे क्लैरिटी कैसे लाते हैं दिमाग में, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। राइटिंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स विच यू हैव, आपके है लेकिन आपको वो निखारना है, आपकी स्किल्स को पैना पर लाना है। अब इस पर हम लोग एक डिस्कस करेंगे, एक पिनेकल का जो मॉक टेस्ट, पिनेकल टेस्ट सीरीज 30 मॉक टेस्ट होंगे, और उसमें हम लोग जो पहला टेस्ट है वो किस तरह का टेस्ट होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा, टायर 3 में किस तरह का टेस्ट आएंगे उसका एक लगभग उसी पैटर्न पे हमने बनाया है, तो वो देखते हैं पहले। अब हम करते हैं एज ए सैंपल कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर है वो एग्जाम में आएगा। ये सैंपल पेपर है और पिनेकल का ये पेपर कोड है 901 से लेकर 903
901 से लेकर 930 की ये सीरीज होगी इसमें, और ये 901 फर्स्ट पेपर है। इसमें आपको ऊपर से ऐसे नजर आएगा, ये जब आप टेस्ट देंगे तो ये अपना रोल नंबर लिखना, जो SSC का था, नाम, हिंदी इंग्लिश मीडियम, और कुछ जो एग्जाम में, रियल एग्जाम में आपके सामने आने वाले हैं। 1 घंटे का टेस्ट, ये डायरेक्शन होगी, इंस्ट्रक्शन होगी, 100 मार्क्स की। और जैसे प्लीज रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन, ये सारी इंस्ट्रक्शन होगी। और उसमें मेन चीज़ें ये होगी कि आपको वर्ड लिमिट है उसमें ही एग्जाम देना है, और आपको कोई अगर ब्लॉक फॉर्म में आता है, मतलब कि उसी क्वेश्चन पेपर में ही आपको आंसर लिखना है, जैसे इस पेपर में ब्लॉक फॉर्म में होगा, अलग से अगर सीट में लिखना के लिए SSC बोलेगी तो आपको वो लिखना पड़ेगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि आपको अलग से सीट नहीं, क्वेश्चन पेपर उसी में लिखने की संभावना होगी, ताकि एक पैराग्राफ हो या एक ऐसे हो और एक लेटर हो और उसी में लिखो, तो इससे जहां पे गड़बड़ होने की संभावना होगी, कोई लूपोल न हो, वो संभावना उसकी कम हो जाएगी। हिंदी इंग्लिश ऐसे डायरेक्शन आएगी कि आपको पार्शियल राइटिंग नहीं लिखनी, आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर या एड्रेस नहीं लिखना, जिससे कि किसी टीचर के पास जाए तो वहाँ पे गड़बड़ न हो, ये सारी डायरेक्शन इसमें आपको मिलेगी। हमने जो पिनेकल के रूप, पिनेकल ने क्या किया है कि आपको असेसमेंट है इसी पेपर पे ही कर देंगे हम लोग, और असेसमेंट 8 पॉइंट पे ज़्यादा होगा। 8 पॉइंट है हमने मेन रखे हैं असेसमेंट के लिए, जैसे कि रेलिवेंट, 100 मार्क्स का पेपर होगा तो उसमें अगर एक क्वेश्चन 60 मार्क्स का है, दूसरा क्वेश्चन 40 मार्क्स का है, जैसे कि उसमें SSC ने अपनी स्कीम में बताया, मार्किंग स्कीम में बताया कि किस तरह के क्वेश्चन होंगे, तो ऐसे राइटिंग और या पैराग्राफ राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग जो इस पे होगा वो इस बात की संभावना है कि 60 मार्क्स का होगा। तो रेलिवेंट कितना आपने लिखा है, स्पेलिंग या गड़बड़ नहीं की, उस पर कितने मार्क्स कटेंगे, ये इस पर सारी चीज़ हम लोग आपको उसी क्वेश्चन पेपर में बताएंगे। वर्ड लिमिट जो है उसमें आपने कितना फॉलो किया है उसके नंबर होंगे, क्वालिटी कंटेंट लिखा है उसके नंबर होंगे, फॉर्मेट, पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो किया है या आपने उल्टे सीधे लिख दिए हैं, या राइटिंग नीट एंड क्लीन। आमतौर पे अगर राइटिंग अच्छी होती है, हम ये पुश करना चाहते हैं आपको, जिसकी वजह से कि सामने वाला इरिटेट ना हो और राइटिंग साफ सुथरी हो, आमतौर पे उस वो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट डालेगा और मार्क्स बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है, तो हम पुश ये करना चाहते हैं। तो इफेक्टिव सेंटेंसेस आपने कितने लिखे हैं, कोहेसिवनेस मतलब कि आपका सीक्वेंस में है, कोहेसिवनेस भी सामंजस्य आपने ठीक बिठाया आपने अपने व्यू पॉइंट में, और टोटल मार्क्स उस पर्टिकुलर में कितने लिखे हैं, इस हिसाब से हर पॉइंट पे अलग अलग मार्क्स दिए जाएंगे। आपको पता चलेगा कि अगर मैं रेलिवेंट लिखने पर अगर 10 मार्क्स थे मेरे, 10 मार्क्स का अगर रेलिवेंट पे फोकस किया गया था तो मुझे 8 नंबर मिले हैं, अगर वर्ड लिमिट पे अगर 5 नंबर थे, 10 नंबर थे तो मुझे उसमें से 5 नंबर मिले हैं। तो आपको पता चल जाएगा साफ साफ कि किस नंबर, किस क्वेश्चन में आपने कहाँ पे गड़बड़ की है। और यहाँ पे एक बिल्कुल साफ पिक्चर बनी है कि अगर आपने 80%, 80 नंबर से ज़्यादा, मतलब 80% से ज़्यादा स्कोर किया तो आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। 60, 70, 80 किया वेरी गुड, 60 to 70 किया गुड, 50 to 60 किया वो एवरेज, 30 to 50 किया एवरेज, और बिलो 30, क्योंकि 33% तो मिनिमम है, अगर बिलो 30 किया तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, आप उन स्टूडेंट में शामिल हो सकते हैं जिनका टायर 2 में, 1 और टायर 2 में बड़ी मेहनत के बाद भी टायर 3 क्वालिफाई नहीं हुआ, बहुत ही सैड सिचुएशन होगी। मैं चाहता हूं कि ऐसी सिचुएशन न आने दें, आप अपना स्कोर हमेशा 60 से ऊपर रखें और 80 से ऊपर ले जाएं। जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आएंगे जैसे हमने इस सैंपल में दिखाया है, सैंपल टेस्ट जो मॉक टेस्ट है हमारा 901, उसमें निम्नखंड में से एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए, मतलब कि राइट एन एसे चूज वन फ्रॉम द फॉलोइंग सेक्शन ए इन अबाउट 300 250 वर्ड्स में, ये लिखना है। यहाँ पे आपको 3 टॉपिक दिए गए हैं, 3 में से 1 लिखना है। SSC आपको 2 भी दे सकती है, 4 भी दे सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि 2 या 3 में ही आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। आमतौर पर IAS में 4 या 5 होते हैं, लेकिन आपको क्योंकि 3000 वर्ड्स में भी नहीं लिखने, 3 घंटे में भी एक ऐसा नहीं लिखना, आपको सिर्फ और सिर्फ लगभग 30 से 40 आपको मिनट में ही ये खत्म करना होगा, क्योंकि पूरा पेपर 1 घंटे का है, तो 2 सेक्शन होंगे, तो एक अगर 20-25 मिनट का होगा, दूसरा 35-40 मिनट का होगा, तो आपको ये 250 मिनट से आप मान कर चलिए 30 to 35 मिनट में, क्योंकि 5-7 मिनट है वो आपको साइन करना है, अंगूठा लगवाना है, वो भी ले लेंगे, आपको 30 से 35 मिनट, मैक्सिमम 40 मिनट ही मानना पड़ेगा इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। हमने टॉपिक दिया है अपना डीमोनेटाइजेशन, मेक और ब्रेक, विमुद्रीकरण,
या जिसको बोलते हैं नोटबंदी, उससे क्या फायदा क्या नुकसान आपकी नजर में होगा, आपको इस पे 250 वर्ड में लिखना है। या अगर आप ये नहीं टॉपिक सिलेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट एडिक्शन पे कर सकते हैं, ड्रग्स एडिक्शन पे, एडिक्शन पे नहीं करना चाहते तो डिजिटल एजुकेशन ए होप फॉर फ्यूचर, ये एक टॉपिक दिया है हमने, इस पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके सामने टॉपिक होंगे। इसको लिखना कैसे है, जैसे हमने थोड़ी मैंने डिस्कस भी किया था वहां पे पहले प्रेजेंटेशन में, हम इस पे काफी वीडियो लेक्चर्स बनाने वाले हैं कि किस टॉपिक पे किस नजर से आप कंक्लूजन करना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी पार्ट्स कैसे लिखने हैं, ये सारी चीजें हम लोग आने वाले प्रेजेंटेशन में और स्टडी कंटेंट में बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन, और ये आपको यहाँ पे जगह दी होगी, जैसे मैंने इस हमने इस क्वेश्चन पेपर में दी है, ये जगह इस तरह से होगी, आपको इस जगह में ही लिखना होगा, इस जगह में ही लिखना होगा। एसएससी मुझे लगता है इसी बात पे फोकस करेगी, क्योंकि सेपरेट सीट देने का मतलब गड़बड़ होने की संभावना ज्यादा, और गड़बड़ को रोकना ही एसएससी का फिलहाल मेन मोटो में होगा। दूसरा पोर्शन आपको ऐसे मिलेगा, वो उस ब्लॉक में उसका आंसर, इस ब्लॉक में इसका आंसर, और इससे चेक करने वाले के लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उसको पता है इसमें ही उसको चेक करना होगा, ऊपर उसको आंसर क्वेश्चन दिया होगा, तो बार बार उसको किसी दूसरे क्वेश्चन पेपर में देखने की जरूरत नहीं होगी। यहां पे आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, अटेम्प्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी, और वर्ड लिमिट है इसकी 100 to 50 to 200, मतलब कि 15 से 20 मिनट में आपको ये मैक्सिमम टाइम होगा, इसमें लिखना पड़ेगा। और हमने जो अपने टॉपिक दिए हैं वो लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग से रिलेटेड, ये सेक्शन बी है, उसमें है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर बॉस कंसिडरिंग यूर सेल्फ एज एन इनकम टैक्स ऑफिसर टू कैंसिल योर ड्यूटी फॉर ए रेड ऑन संडे फॉर अनअकाउंटेड कैश। आजकल ये काफी ज्यादा चल रहा है अनअकाउंटेड कैश, तो हमने उसी पर एक टॉपिक बना दिया है, जिससे कि आप अपने आप को प्रैक्टिकल सिचुएशन के साथ कनेक्ट कर पाओ। आयकर अधिकारी के रूप में बेहिसाब नकदी पर रिवार को छापा मारने के लिए, अपने कर्तव्य को रद्द कराने के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारी को आवेदन करना है इसमें, या फिर अगर ये टॉपिक नहीं लिखना चाहते तो ये टॉपिक भी लिख सकते हैं। और इस टॉपिक में क्या है, राइट अ लेटर टू ए टीचर हु हैज वन बेस्ट टीचर अवार्ड टू अटेंड फेलिसिटेशन प्रोग्राम फंक्शन ऑर्गेनाइज बाय ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में भाग लेने के लिए सबसे अच्छा शिक्षक पुरस्कार जीतने वाले एक शिक्षक को आमंत्रित करने के लिए एक पत्र लिखना है आपको। तो इस तरह के टॉपिक है आपको हम लोग हमारे जो विभिन्न टेस्ट होंगे उसमें देंगे, जिससे कि आप प्रैक्टिकल सिचुएशन के साथ भी लिख पाओ, समझ पाओ प्रैक्टिकल सिचुएशन को, और उसमें क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, इन सारी चीज़ों को आप समझ पाओ। और जो लिखने की जगह है वो इस तरह से होगी। तो ये एक सैंपल पेपर था कि एग्जाम किस तरह से आने वाला है और कितनी देर में कौन सा पोर्शन आपको लिखना है, कैसे लिखना वो थोड़ा सा हिंट दिया मैंने, लेकिन इसकी पूरी सीरीज है वो हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। और सैंपल वीडियोस, सैंपल जो पेपर जिन्होंने अच्छा सॉल्यूशन दिया है, आंसर अच्छे दिए हैं, अच्छा लिखे होंगे, उनको वीडियो के माध्यम से बाकी स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे, जिससे उनको फायदा हो। तो ये इसका पूरा एजेंडा होगा, सैंपल के जरिए मैंने आपको बताया कि पिनेकल क्या कर रहा है, पिनेकल के पास क्या सॉल्यूशन है कि आपको अपना प्रिपरेशन लेवल है उसको बेटर बनाने में मदद करे। पिनेकल कोचिंग सेंटर जो कि कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, एक काफी बड़ी टीम है, 50 से ज्यादा स्टाफ, एसएससी सिर्फ एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट्स की मदद करते हैं। स्टूडेंट का अलग अलग रूप में, चाहे वो टायर वन की टेस्ट सीरीज हो, टायर टू की टेस्ट सीरीज हो, टायर थ्री की टेस्ट सीरीज हो, कंटेंट डेवलपमेंट हो, लगभग 2016 में 6000 से ज्यादा स्टूडेंट ने पिनेकल के एसएससी सीजीएल से रिलेटेड पिनेकल के विभिन्न कोर्स ज्वाइन किए हैं। ₹50 से लेकर 8400 तक के कोर्स में अलग अलग लोगों ने ज्वाइन किया है, 6000 स्टूडेंट। और हमें उम्मीद है कि 2017 में लगभग 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट पिनेकल को अपना कोचिंग सेंटर मानेंगे। और हमने टायर वन के लिए जॉब एश्योर एसएससी सीजीएल टायर वन जॉब एश्योर लॉन्च किया था, काफी ज्यादा लोगों ने ज्वाइन किया, काफी ज्यादा सक्सेसफुल।
टायर टू जो अभी अभी खत्म हुआ है उसके लिए प्रोग्राम था कंप्लीट पैकेज, और ये टायर थ्री के लिए जो आपके सामने अभी हम लोग बता रहे हैं। ये 2017-18 के लिए भी है, स्टार्ट हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। आप उसके लिए ऑनलाइन कोचिंग बैच वहां पे लिखा हुआ 2017-18, जब हमारे वेबसाइट पे जाएंगे वहां पे आपको देखने को मिलेगा। जॉब अश्योर एक वर्ड जब आपके सामने यहां पे होता है तो आपके दिमाग में, मैं बता देता हूं कि इसका मकसद क्या है। इज ए सीरीज ऑफ डे वाइज एक्टिविटीज टू वेज रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम टू इंश्योर सक्सेस। ये टायर थ्री का आएगा तो टू वेज का मतलब यहां पे होगा कि हम आपको टॉपिक देंगे और बताएंगे आपको कैसे लिखना है, तो आप लिखो और फिर इवेल्युएट करेंगे हम लोग और बताएंगे ये अच्छी चीज हो सकती है, बेटर करोगे तो इसमें आपको एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट चाहिए। इसलिए ये जो जॉब अश्योर सीरीज होती है वो टू वे प्रोग्राम होते हैं और डे वाइज एक्टिविटी वाले प्रोग्राम होते हैं। जो जॉब अश्योर SSC सीजल पार्ट थ्री है उसके क्या फीचर हैं वो मैं बताना चाहता हूं। यह एक डेली एक्टिविटी प्रोग्राम है जो कि कैंडिडेट को हायर स्कोर, हायर प्रोडक्टिविटी की तरफ डे वाइज शेड्यूल के तहत स्ट्रक्चर्ड वे में, सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ाएगा। दिस प्रोग्राम इज साइंटिफिकली डिजाइन टू एनहेंस द रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, कि विभिन्न बैकग्राउंड के स्टूडेंट कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं या कैसे टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हैं या उनकी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है जिसमें कि वो ज़्यादा जल्दी से जल्दी कैच करें और एक बेटर रिजल्ट दे, इनके तहत गाइडेंस इसके अंतर्गत आएगी। गोल सेटिंग, डेली शेड्यूल होगा, डे वाइज प्रोग्राम होगा, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, लगभग 200 से ज़्यादा पेजेस होंगे जिसमें, और उस स्टडी मटेरियल में जैसे कि टिप्स है, ट्रिक्स है, रूल्स होते हैं राइटिंग के, और जैसे कंक्लूजन कैसे करना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है, लेटर्स के विभिन्न फॉर्मेट होते हैं, वो सारी चीज़ों पे इसके कंटेंट होगा। इसके अलावा 40 लेक्चर्स भी होंगे, उन लेक्चर्स में गाइडेंस भी होगी, टिप्स होगी, ट्रिक्स होगी कैसे राइटिंग करनी है, फॉर्मेट से रिलेटेड चीज़ें बताई जाएगी, और जो सबसे महत्वपूर्ण होगा कि कई जो 40 में से काफी लेक्चर ऐसे भी होंगे जो कि बेस्ट जो राइटिंग करते हैं बच्चे जो हमारे पास जो ज्वाइन करेंगे और उसमें जो अच्छी राइटिंग की उसके ऊपर वीडियो बनेगा कि इस लड़के ने इस क्वेश्चन पेपर पे इस ढंग से राइटिंग की है, ये इसकी अच्छी बात थी या इसमें से ये बेस्ट उसकी लगी हमें, हम उसको एज ए एग्जाम्पल है कई वीडियो में उसका देंगे। आप बोल सकते हैं कि ये जो वीडियो और सीरीज होने वाली है ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन पे होगी, इसका ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं होगा, थ्योरेटिकल सिर्फ रूल बताने के लिए होंगे, टिप्स बताने के लिए होंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये प्रैक्टिकल वीडियो टेस्ट सीरीज होने वाली है। डेली यूनिट टेस्ट, आप डेली को फुल लेंथ, आप इसको डेली को फुल लेंथ कर सकते हैं क्योंकि 30 टेस्ट होंगे ये, और ये फुल लेंथ टेस्ट है वो डेली होंगे, मतलब कि लगभग 40-45 दिन का टाइम बचा हुआ है। अगर हम संडे को निकालें तो 30 के आसपास टेस्ट हैं और 30 ही आपके दिन बचे हुए हैं, अगर संडे को निकाल दिया जाए तो 30-35 के आसपास दिन बचे हुए हैं। तो आप बोल सकते हैं कि ये हर रोज डेली फुल लेंथ टेस्ट होगा और ये टेस्ट 1 घंटे का होता है, और उसके बाद इस पे आप हमें भेजिए, हम आपको ईमेल के जरिए टॉपिक देंगे, आपको उस दिन उस टॉपिक पे राइट करने के बाद में, उस पर्टिकुलर फॉर्मेट पे राइट करने के बाद में, क्वेश्चन पेपर पे राइट करने के बाद में आप हमें भेजिए। आप ईमेल से भेज सकते हैं, आप व्हाट्सएप से भेज सकते हैं, या आप 2-3 इकट्ठा करके कुरियर से भेज सकते हैं, जो आपको ठीक लगे कि और भी कोई मोड हो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं कैसे भेजूँ, आप ऐसा कोई भी आपको लगे तरीका भेजने का वो भेज सकते हैं, जिसमें कि इवैल्यूएशन हो, असेसमेंट हो, प्रॉपर फीडबैक दिया जाए आपको, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि इसमें क्या चीज़ थी, क्या आप बेटर कर सकते थे, क्या आपको ऐसा और लिखना चाहिए था, या आपने ज़्यादा क्या लिख दिया या गलत क्या लिख दिया, स्पेलिंग और ग्रामर का रोल कितना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग पे कितने नंबर कट सकते हैं, या आपको इसके लिए माफ़ी मिल सकती है अगर आपने कोई और बहुत अच्छी चीज़ डाली है तो। असेसमेंट और फीडबैक है वो हमारे इस टेस्ट सीरीज का, टू वे का प्रोग्राम का वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। ईच रिस्पॉन्स और आंसर शीट विल बी इवैल्यूएटेड बाय मी, बलजी ढाका और नीरू मैम, या तो मैं इवैल्यूएट करूंगा या नीरू मैम,
मतलब कि अगर 30 टेस्ट है 15 टेस्ट मैं इवेलुएट करूंगा तो 50 टेस्ट है, ताकि आपको डिफरेंट न्यूरो मैम करेगी, ताकि डिफरेंट एस्पेक्ट मिले, दो स्ट्रॉन्ग फैकल्टी, एक्सपीरियंस फैकल्टी और जिनको कि काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा है इसको इस तरह से इवेलुएट करने का, अगर वो आप गाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट परस्पेक्टिव से अपने अपने हिसाब से, आप अपनी थॉट्स डेवलप वहाँ पे कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। फीडबैक एंड एरिया ऑफ इम्प्रूव हाउ टू इम्प्रूव विल बी प्रोवाइडेड। क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट टेस्ट, आपके पास भी टारगेट होगा कि आपने क्या किया है और आपको क्या रखना चाहिए टारगेट, और हमारे पास भी आपके प्रति रिकॉर्ड होगा कि आप क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जब आपकी मॉनिटरिंग होगी तो ऑब्वियसली हर टाइम पे आपको इंप्रूवमेंट की तरफ ही बढ़ेंगे, चाहे वो मॉनिटरिंग हो या परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो हेडिंग कैसे लिखते हैं, सब हेडिंग कैसे लिखते हैं, टाइटल कैसे लिखते हैं, अंडरलाइनिंग क्या चीज़ होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, कोट्स का रोल कहाँ सकता है या कौन सी कोट्स आपको लिखनी चाहिए, सैल्यूटेशन क्या हो सकता है, स्पेलिंग में क्या गड़बड़ हो सकती है, कौन से सेंटेंस छोटे लिखने चाहिए बड़े लिखने चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, एक्टिव पैसिव, एक्टिव ज़्यादा होने चाहिए पैसिव ज़्यादा होने चाहिए, पैराग्राफ स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्या 3 लाइन का हो, 5 लाइन का हो, 10 लाइन का हो, इंट्रोडक्शन स्टार्ट कहाँ से करें, कंक्लूजन कैसे करें, क्या डाटा के साथ कंक्लूजन करें, डेट्स और डाटा का रोल कितना हो सकता है, क्या आपका ऑथेंटिक डाटा ही प्रोवाइड करना आवश्यक होता है, किस तरह के में एड्रेस, अगर लेटर है तो एड्रेस कहाँ पे लिखे, रेलिवेंसी उस फॉर्मेट की है नहीं है, टाइम लिमिट में आप लिख पा रहे हैं नहीं लिख पा रहे हैं, वर्ड्स लिमिट कितनी होनी चाहिए, स्पेस यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको ब्लॉक में लिखना है तो स्पेस यूटिलाइजेशन की स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए। फ्लुएंसी आपकी लिखने की, मतलब कि कहीं ऐसा ना कि कोई बाद में लिखनी है पहले लिख दी, पहले लिखनी है वो बाद में लिख दी, कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं कर रहे हैं, या राइटिंग फ्लुएंसी इतनी तो है टाइम में आपने स्ट्रक्चर वे में लिखा है, हिंदी लैंग्वेज पे कमांड कितनी, अगर हिंदी में लिखते हैं इंग्लिश में लिखते हैं तो ऑब्वियसली इंग्लिश में कमांड कितनी होगी। टेस्ट टू डिसाइड विच लैंग्वेज यू शुड ऑप्ट, और इस जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें ये भी हम बताएंगे कि आपको ये लैंग्वेज सूट कर रही है या नहीं कर रही, मतलब कि अगर किसी ने हिंदी में लिखा और हमें लगा कि इसको इंग्लिश में लिखना चाहिए तो हम ये रिकमेंड जरूर करेंगे कि आप एक बार इंग्लिश में ट्राई कीजिए, हो सकता बेटर कर पाए। यह जब एक बार रिकॉर्ड आएगा किसी का, हम उसको एनालाइज करेंगे एक दो पेपर, उसको समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट को कि उसकी क्या बैकग्राउंड है, उसका क्यों ऐसा कर रहा है वो, तो हम वास्तव में डिसीजन लेने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इसके लिए जो टायर जॉब अश्योर टायर 3 प्रोग्राम है उसके अंतर्गत 2 प्रोडक्ट है हमारे पास, एक है कंप्लीट पैकेज, जैसे जॉब अश्योर टायर 2 कंप्लीट पैकेज था, एक थी टेस्ट सीरीज, वैसे ये टायर 3 के लिए कंप्लीट पैकेज है और एक ये टेस्ट सीरीज है। इस कंप्लीट पैकेज जिसकी कॉस्ट 1000 रुपये होगी, प्राइस 1000 रुपये होगा, इसमें क्या होगा, स्टडी मटेरियल होगा पीडीएफ फॉर्मेट में, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया, जिसमें टिप्स रूल्स द गाइडेंस फॉर्मेट करंट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो लेक्चर्स ये सारी चीज़ें होंगी। करंट इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब हुआ कि जो वास्तव में एग्जाम में आने की संभावना होगी, ताकि बहुत ज़्यादा अननेसेसरी अखबारों पे आप न पढ़ना स्टार्ट कर दें, आपको हम पढ़ने के लिए जो रेलेवेंट कंटेंट होगा वो दे देंगे, जिससे कि आपको अखबार नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि कहीं अखबार आपको नुकसान में पहुंचा दे इस बात की भी संभावना हो सकती है। वीडियो लेक्चर्स 40 डे वाइज शेड्यूल, 30 फुल लेंथ टेस्ट एज पर एग्जाम पैटर्न, इवेल्युएशन बाय बलजी डाका नीरू मैडम, फीडबैक इट इज ए 2-वे प्रोग्राम, ये 1-वे प्रोग्राम नहीं है, जैसे कि जॉब अश्योर हमेशा 2-वे होता है, ये भी ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, 80% प्रैक्टिकल 20% थ्योरेटिकल। टेस्ट सीरीज विद पर एग्जाम पैटर्न, प्राइस 500 रुपीज, इवेल्युएटेड एंड फीडबैक बाय बलजी डाका नीरू मैडम, इट इज ए 2-वे टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट सीरीज होगी। लेकिन मैं आपको ये गाइड करूंगा कि आप कंप्लीट ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसमें जो वीडियो से एक फीडबैक दिया जाएगा, जो अच्छे जिन्होंने अच्छा लिखा होगा उनके ऊपर जो कमेंट किया जाएगा, उनको दिखाया जाएगा वीडियो में, आपको उससे बहुत सीखने को मिलेगा, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये वीडियो प्रोग्राम में पॉसिबल होगा, कंप्लीट पैकेज में होगा। सो सेंड अस योर रिटन रिस्पॉन्स सीट थ्रो, अगर आपको जो टेस्ट सीरीज है वो कैसे देनी है कि सेंड अस योर रिटन रिस्पॉन्स सीट थ्रो व्हाट्सएप ईमेल कुरियर और फॉर इवेल्युएशन, आपको ये थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बेटर रिजल्ट चाहिए तो आपको इवेल्युएशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करवाना पड़ेगा। अब है कि इसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, इसकी ज्वाइन करने के 4 तरीके हैं। एक है हमारा ऑनलाइन कोचिंग बैच ज्वाइन कीजिए, जो कि अभी आपको नजर आएगा वहाँ पे साइट पे SSC CGL 2017-18 7000 इसकी फीस होगी।
अगर आप ये ज्वाइन करते हैं तो जो 2016 से रेटेड टायर 3 है वो उनके लिए एक्स्ट्रा है, मतलब उसमें इंक्लूड है, आप इसको एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है, इसमें इंक्लूड है, तो आप हाईली सजेस्टेड, क्योंकि आपको कंटिन्यूटी करनी होती है तो इसमें ये ज्वाइन कीजिए। फिर आता है एसएससी सीजीएल हार्ड ड्राइव कोर्स, या ये ज्वाइन कर सकते हैं आप अगर आपको ज़्यादा वीडियो हैं और आप 2017-18 के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, तो जो ये ज्वाइन करते हैं उनको भी ये जो 2016 है वो हम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। आप बोल सकते हैं ये कोर्स और ये कोर्स कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क क्या है कि इसमें हम वीडियो लेक्चर्स बहुत सारे होते हैं हमारे पास, जितने भी बने होते हैं अराउंड मोर देन 1200 लेक्चर्स सिर्फ सिर्फ एसएससी सीजीएल पे हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं, और देखो 800-900 लेक्चर ऑलरेडी आगे हमारे पाइपलाइन में हैं जो कि 2017 के लिए बनाने हैं, जिसमें कि 2016 में जो टेस्ट सीरीज वो जो रियल एग्जाम हुआ था उस रियल एग्जाम के सारे पेपर वीडियो लेक्चर से हम लोग इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो लगभग 2000 वीडियो आप बोल सकते हैं 2017-18 स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ एसएससी सीजीएल के ऊपर मिलेंगे। इसका मतलब कि पूरी डिटेल प्रोग्राम, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं हमेशा, कि पिनेकल का एसएससी का प्रोग्राम आप कहीं पे ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मिलेगा, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो चाहे वो वीडियो लेक्चर्स का प्रोग्राम हो, उसके आसपास भी किसी कोचिंग सेंटर का आपको नहीं मिलेगा, ये पूरी गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ। और इसी से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि हम एक एक टेस्ट सीरीज जो 2016 में हुई है एसएससी सीजीएल की, अभी जो एग्जाम हुआ था हाल में सितंबर अगस्त में, उसको हम लोग वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। ऑलरेडी 50 टेस्ट सीरीज के वीडियो टायर 1 से रिलेटेड हम लोग वो कर चुके हैं, तो ऐसे ही टायर 2 ऐसे ही टायर 3 है वो वीडियो लेक्चर से टेस्ट सीरीज भी कवर होती है, न सिर्फ कंटेंट। जो लोग ये नहीं ज्वाइन करना चाहते और सिर्फ ये करना चाहते हैं, तो उसमें ये कंप्लीट पैकेज 1000 रुपीज और 30 टेस्ट 500 रुपीज ये प्रोडक्ट है वो आपके लिए रेलिवेंट होंगे। और ज्वाइन कैसे करना है, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए ssccglepinnacle.com, उसके ऊपर अगर ये जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है ये, या फिर ये ज्वाइन कर सकते हैं 7000, और इसमें क्योंकि हार्ड ड्राइव की कॉस्ट इंक्लूड होती है, आप जानते होंगे हार्ड ड्राइव एक महंगा आइटम होता है। कुछ फ्रेंड मुझे बोला कि आप पेन ड्राइव में दे सकते हैं क्या, आप यकीन कीजिए कि हमारे वीडियो की संख्या और पीडीएफ कंटेंट इतना है जितना कि जिससे कि आप ऑल इंडिया में 100 में अगर आपको स्कोर करना है आप कर सकते हैं। पेन ड्राइव में 100 वीडियो 200 वीडियो ज़्यादा नहीं आ सकते, उससे ज़्यादा तो हमारी बड़ी टेस्ट सीरीज होती है, टायर 2 की टेस्ट सीरीज में भी आपने देखे होंगे कि 300 से ज़्यादा वीडियो हमने बनाए। तो आप सोच सकते हैं कि पेन ड्राइव में हमारा एक पोर्शन, कोर्स तो छोड़िए एक पोर्शन भी नहीं आएगा, चाहे वो 32 GB की ड्राइव हो कुछ भी हो, ये लगभग 200 से भी ज़्यादा GB की आपको कंटेंट दिए जाएंगे। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो जो सीधा हम लोग आपके साथ लिंक शेयर करते हैं इस प्रोग्राम के तहत, अगर आपके पास इंटरनेट इशू नहीं है तो ये आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, वो आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा, या फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए टायर 3 से रिलेटेड ये प्रोग्राम, टेस्ट 3 ज्वाइन करना या फुल ज्वाइन करना, आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे कि इस पर क्लिक किया तो आपके सामने ये आएगा, ऐसे लिंक खुलेगा, इस पर लिखा होगा ऊपर instamojo.com, ये एक हमारा चैनल पार्टनर है, पेमेंट जो इकट्ठी करने का काम करता है, हमें टेक्निकल सपोर्ट देता है, और ये कम्प्लीटली सेफ आपकी पेमेंट यहाँ पे होगी। आपने यहाँ पे क्लिक किया वाई नाउ पे, इस हरे बटन पे, तो आपके सामने ऐसा नजर आएगा, इस पर अपना नाम, ईमेल और फ़ोन नंबर भरिए, और फिर नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आप जैसे पे करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। हालांकि जो इस पर एड्रेस नहीं लिखा होता, तो जो ये हार्ड ड्राइव कोर्स ज्वाइन करता है उससे हम लोग ईमेल से अलग से एड्रेस लेते हैं, तो इसलिए आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, सिर्फ इतनी डिटेल हमारे लिए काफ़ी होती है, क्योंकि हम लोग आमतौर पर ईमेल से स्टूडेंट को फॉलो करते हैं, तो ये चीज़ आपको वहाँ पर मिलेगी, ऐसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने बताया इस दौरान आज इस प्रेजेंटेशन में कि ये टायर 3 जो पहले इंटरव्यू होता था उससे क्यों डिफरेंट है, इससे सरकार को क्या फ़ायदा है, पूरे वर्ल्ड में इसके प्रति क्या जो मुद्दा है राइटिंग स्किल्स का, उसका किस तरफ इंडिकेशन है, इसमें आपको कौन सी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो हम लोग जो एक कोर्स होगा उसमें भी देखेंगे। इसके अलग अलग पहलू पर मैंने चर्चा की, और पिनेकल आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है इसके लिए,
जिससे में कि आप इसका फायदा उठा सकते हैं, वो हमें मैंने डिस्कस किया। और ये प्रोग्राम जैसे मैंने बताया 7 तारीख से स्टार्ट होगा, 7 दिसंबर से डे वाइज प्रोग्राम आपको 7 दिसंबर की रात को आपको मिलेगा डे वाइज प्रोग्राम। पूरे महीने का शेड्यूल भी हम कैसे कैसे इसको कौन सा टेस्ट कब होगा ये प्रोग्राम आपको मिलेगा। इसके साथ इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि 2016 ये साल आपको बहुत ही 2016 SSC CGL इसमें आपकी जॉब 100% लगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।